बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी में जॉब्स आ चुकी है और इसमें 278 प्लस तक जॉब्स है और इसकी अप्लाई करने का तरीका और इसमें क्या क्या जॉब है, इसमें सर्वेयर है और इंस्पेक्टर है, स्टेनोटाइपिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है और LDC है, UDC है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, सुपरवाइज़र है और इसके लिए जो अप्लाई करने का तरीका और इसका चालान आप किस तरह देख सकते हैं और इसका एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इसका चालान फॉर्म और अप्लाई करने का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और इसका सारा तरीका जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की नई नई जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल होती रहे और बरवक्त अप्लाई करते रहें। सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे लिखेंगे FIND फाइंड न्यू पार्क जॉब्स 24 जॉब्स 24 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन होगा। ये पहले नंबर पर आपको जो देख रहे हैं फाइंड न्यू पार्क जॉब्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। काफ़ी डिपार्टमेंट में जॉब्स आ चुके हैं लेकिन इसको ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ चुके हैं। इसको स्क्रू डाउन करेंगे, स्क्रू डाउन करने के बाद आपके इसके बाद आपके देख रहे FGEHA फेडरल गवर्नमेंट हाउस एम्प्लॉय एंड हाउसिंग अथॉरिटी जॉब्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आएगा और ये देख रहे 5 फरवरी 2021 की एडवर्टाइजमेंट हुई और इसकी जो लास्ट डेट जो है वो 20/2/2021 है और 278 प्लस इसमें पोस्ट है। और इसमें क्या क्या पोस्ट है, इसमें जो पोस्ट है आर्टिकल्चर सुपरवाइज़र, ड्रोन कैमरा सर्वेयर, इंस्पेक्टर रेवेन्यू और बिल्डिंग इंस्पेक्टर असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट और ये सारे पाकिस्तान के लिए, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और पंजाब और स्टेनोटाइपिस्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है, सब इंजीनियरिंग है। पहले नंबर पर जो है हॉर्टिकल्चर्स सुपरवाइज़र एक पोस्ट है, मेरिट पे है, 35 ईयर इसके लिए क्वालिफिकेशन है। दूसरे नंबर पर ड्रोन कैमरा सर्वेयर है जो एक पोस्ट है, वो भी मेरिट पे है। तीन नंबर पर है इंस्पेक्टर रेवेन्यू BS, इसकी 16 है और पोस्ट 4 है, 2 पंजाब और 2 मेरिट। 4 नंबर पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर 16 स्केल, 3 पोस्ट है, 1 मेरिट, 2 पंजाब। 5 नंबर पर असिस्टेंट BS 15 है, 8 पोस्ट है, 2 पंजाब, 3 मेरिट, 1 सिंध, 1 KPK, 1 बलूचिस्तान। 30 साल इसके लिए दरकार है और क्वालिफिकेशन सिक्योरिटी क्लास बेचलर डिग्री और नॉलेज कंप्यूटर कंप्यूटर का काम जानता हो। 6 नंबर पर स्टेनोटाइपिस्ट है, BPS 14 है, 16 पोस्ट है, 2 मेरिट है, 9 पंजाब फॉर 1 माइनॉरिटी, 2 सिंध और 1 KPK अगर बलूचिस्तान और 1 GB फाटा के लिए, सेकंड क्लास बिचलर डिग्री और 80 फुट VPN स्पीड शॉर्ट हैंड। 7 नंबर पर कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल सिविल टेक्नीशियंस BS 14, इसमें 4 पोस्ट है, मेरिट जो है 4 पोस्ट है वो भी मेरिट पे है और 30 ईयर्स इसके लिए दरकार है और FSA प्री इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन। 8 नंबर पर सब इंजीनियरिंग सिविल एंड EME BS 14, 11 पोस्ट है, 5 पंजाब, 1 मेरठ, 2 सिंध, 1 KPK, 1 बलूचिस्तान, 1 GB और 30 ईयर्स इसके लिए क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके लिए एजुकेशन है। 9 नंबर पर सुपरवाइज़र है और सुपरवाइज़र मेंटेनेंस 14 स्केल इसकी है, 2 पोस्ट है वो भी मेरिट पे है और 30 ईयर्स इसके लिए एज है और सेकंड क्लास बैचलर डिग्री। और 10 नंबर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर BS इसकी जो BS है 14 है और 17 पोस्ट है, 9 पोस्ट फॉर पंजाब फॉर वमेन्स 1 वमेन के लिए और 2 मेरिट 2 सिंध, 30 ईयर्स इसको क्वालिफिकेशन, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री। 11 नंबर पर UDC BPS इसकी है 11 है, BPS इसकी 11 है और 23 पोस्ट है, 10 पंजाब, 6 मेरठ, 4 सिंध, 2 बलूचिस्तान, 2 GB और 1 फाटा गिलगित बल्किस्तान, GB फाटा। और इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशंस के लिए है जूनियर ड्राफ्टमैन BBS 11 है और 2 पोस्ट है, मेरठ पे है, 30 ईयर्स है और एज और मेरठ क्वालिफिकेशंस के लिए है मैट्रिक अलोंग विद 1 ईयर्स डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड पॉलीटेक्निकल।
13 नंबर पर है सर सर्वियर बीबीएस 11 वन पोस्ट वो भी मेरिट पे है 30 इयर्स इसके लिए एज है इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा क्वालिफिकेशन 14 नंबर सर्वियर बीबीएस 9-7 पोस्ट है मेरिट पे है 30 इयर्स एज इसके लिए है और मैट्रिक विद डिप्लोमा 15 नंबर पर एलडीसी है बीपीएस 9 है 53 पोस्ट है 26 पंजाब वन फॉर वुमेन कोटा और वन फॉर माइनॉरिटी और 5 मेरिट वन फॉर डिसेबल 10 सिंध और 6 केपीके और 5 बलूचिस्तान और 1 जीबी के लिए और 30 ईयर्स के लिए एज है और मैट्रिक सेकंड क्लास विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वीपीएन इसके लिए इसकी एक्सपीरियंस दरकार है और इसका अप्लाई जो है ऑनलाइन है और इसके लिए आप अस्करी बैंक से पहले अस्करी बैंक पे इसके लिए पेमेंट जमा करना होंगे और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने का किस तरह तरीका है बहुत आसान तरीका है आप गूगल पे आएंगे गूगल पे आप लिखेंगे इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लिखेंगे www.fegha फेडरल गवर्नमेंट fg.gov.pk एंटर करेंगे एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन होगा पहले ये ऊपर आप जो देख रहे हैं इसकी ये कैरियर लिखा हुआ है ये कैरियर पे आप क्लिक करेंगे कैरियर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन होगा ये नीचे देख रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट का डेट आपको शो कर रहा है इस ये चालान फॉर्म है इस पे आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने चालान फॉर्म ये ओपन होगा इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये अक्सरी बैंक में है ये 2021 का चालान फॉर्म है इसको फिल करके और इसको चालान फॉर्म 100 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है इसको जमा करने के बाद आपकी अप्लाई पे आएंगे ये देखे नीचे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है इस अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये अप्लीकेंट फॉर्म ओपन हो गया ये अपना नाम अप्लीकेंट नाम वगैरह वगैरह इसको फिल करेंगे फिल करने के बाद आपके सामने ये अटैच चालान फॉर्म और अटैच CV अटैच करेंगे और फिर सेव एंड प्रिंट करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा और ये बहुत आसान तरीका है तो इंशाल्लाह आपका कोई मसला आप लोगों को नहीं होगा अगर कोई मसला है तो कमेंट में मुझे साथ शेयर करें तो इंशाल्लाह कोई मसला हो तो मैं क्लियर करूँगा तो इंशाल्लाह दोबारा इस तरह जब वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे तो इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं अल्लाह हाफिज़।